नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल HBN24 न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा की लेटेस्ट और पूरे भारत वर्ष की इलेक्शन से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको जबरदस्त बुद्ध प्रूफ के साथ आपको खबरें मिलती रहे। मार्केट के अंदर काफ़ी झूठी खबरें चल रही है कांग्रेस की लिस्ट के बारे में, काफ़ी बंदे अपनी अपनी मर्जी से लिस्ट जारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सभी चाहते हैं कि हमारे एरिया से ये कैंडिडेट चुनाव लड़ें, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है। भाजपा ने हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। इनमें से 6 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कभी ना कभी कांग्रेस में होते थे, यानी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। कुछ नए चेहरे को भी यहाँ पर MP के टिकट दी गई है, अशोक तंवर और रणजीत चौटाला जो भाजपा में हाल ही फिलहाल में शामिल हुए उनको टिकट दे दी गई है। जिसके बाद पूरे हिसार के अंदर विरोध भी देखने को मिल रहा है भाजपा के कैंडिडेट का, क्योंकि किसान काफ़ी नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सभी इंतज़ार कर रहे हैं कांग्रेस की टिकट का कि कांग्रेस किसको टिकट देगी। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रही है, कांग्रेस अब मंथन करने लगी है, कांग्रेस अब सर्वे करवाने लगी है। हाल ही फिलहाल में कल से कांग्रेस का सर्वे चालू हुआ है, वो सर्वे शायद आज शाम तक खत्म हो जाएगा, 2 या 3 दिन का ये सर्वे है। यानी कांग्रेस सर्वे का डेटा निकाल रही है। आपने देखा होगा आपके पास कॉल आई होगी भाजपा के IT सेल से, आपके पास कॉल आई होगी, आपसे पूछा गया होगा कि आप हिसार से किसे उम्मीदवार देखना चाहते हैं। इस सर्वे में 3 नाम थे, कैप्टन अभिमन्यु, ब्रजेंद्र सिंह, कुलदीप बिश्नोई। इस सर्वे में कुलदीप बिश्नोई की जीत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने टिकट नहीं दिया कुलदीप बिश्नोई को, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई की मायूसी देखी जा सकती है। कुलदीप बिश्नोई जी काफ़ी मायूस नजर आ रहे हैं और ये चीज़ें तो आप देखी जा सकती है। दूसरी बड़ी मायूसी कुलदीप बिश्नोई को देखने को मिली कि उन्हें स्टार प्रचारक भी नहीं बनाया गया है। इतने बड़े नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल जी के पुत्र है, लेकिन भाजपा ने कोई अहमियत नहीं दी है। भैया विधायक तो वो थे हमेशा से, आदमपुर की सीट तो उनसे है, अगर निर्दलीय भी लड़ते तो आदमपुर की सीट उनकी होती, लेकिन भाजपा ने उनको कोई पद नहीं दिया, कोई अहमियत नहीं दी, कोई टिकट नहीं दी। राजगी तो होगी ही, कुलदीप से ज्यादा नाराजगी तो उनके समर्थक है। ऐसे में उनके समर्थक डिमांड कर रहे हैं कि भजनलाल जी की विरासत को संभालने चंद्रमोहन बिश्नोई की चर्चाएं काफी चल रही है हिसार लोकसभा सीट से। ऐसे में कांग्रेस का सर्वे चल रहा है और इस कांग्रेस के सर्वे में अभी फिलहाल तक मेरी इंटेल के आधार पर कांग्रेस इस बार सर्वे के आधार पर टिकट देगी। खासकर मेरी नजर है हिसार की लोकसभा सीट पर है। इस सर्वे में बैकवर्ड भी आवाज उठा रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट मैदान के अंदर उतारा जाए, लेकिन बैकवर्ड के अंदर ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो भैया हिसार से बाहर या उसके गांव से बाहर से कोई जानता हो। बैकवर्ड के अंदर काफी चर्चा चल रही थी घोड़ेला के, हाँ घोड़ेला एक मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन रामनिवास घोड़ेला को भी सपोर्ट की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि वो अकेला अपने दम पर जीत जाएंगे, उसको भी सपोर्ट की जरूरत है। और खासकर हुड्डा के नजदीकियां होते हुए घोड़ेला का हिसार लोकसभा सीट में टिकट मिलना मुश्किल माना जा रहा है। ऐसे में सब कैंडिडेट अपनी अपनी तरफ से जोर लगा रहे। कुमारी शैलजा चाहती है कि भैया चंद्रमोहन बिश्नोई को टिकट मिले, सुरजेवाला भी यही चाहते हैं, लेकिन हुड्डा चाहते हैं कि JP जयप्रकाश को टिकट मिले। जनता नहीं चाहती है जयप्रकाश को, मानते हैं कि जयप्रकाश जी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है, लेकिन पब्लिक का सर्वे हो रहा है, पब्लिक किसे चाहती है। ये कांग्रेस ने काफ़ी बहुत अच्छा किया, कांग्रेस ने टिकट देकर दर से कहने कि सर्वे चल रहा है, ये सर्वे में कम 1,00,000 के आसपास आदमी तो शामिल होंगे, इनके पास फ़ोन किया जा रहा है, इनके पास कॉल किया जा रहा है। कुछ सर्वे तो लोग गांव-गांव जाकर लोगों की राय जानना चाहते हैं कि कांग्रेस से किसे देखना चाहते हैं। ऐसे में चंद्रमोहन बिश्नोई का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा है। आप तो कहते होंगे भैया चंद्रमोहन बिश्नोई तो दाग छवि के है, कुलदीप ऐसे है ऐसे है, ऐसा नहीं है। पार्टी चाहे किसको भी टिकट दे, सबसे पहले यहाँ पर सर्वे किया जा रहा है चंद्रमोहन बिश्नोई को, उसके बाद रामनिवास घोड़ला भी मैदान में आ सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी बरवाड़ा हलके के अंदर या नलवा हलके के अंदर जिस प्रकार से उनका दबाव देखा जा सकता है सामाजिक तौर पर, एक जो है घोड़ला काफ़ी अच्छा यहाँ पर रुतबा उनका देखा जा सकता है, साथ में उनको सपोर्ट मिल रहा है काफ़ी जो है, ये जो है बैकवर्ड समाज को उठान करने वाली संस्था का भी सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। और बैकवर्ड समाज ने यहाँ पर मांगे भी रख दी है कि बैकवर्ड समाज का इतना वोट बैंक होते हुए भी जो है हमारे कैंडिडेट आगे नहीं आ पा रहे हैं, हमारे कैंडिडेट को भी टिकट मिलनी चाहिए। इसी आधार पर सर्वे किया जा रहा है, बहुत ही जल्द सर्वे का रिजल्ट हो जाएगा। सर्वे का रिजल्ट आने के बाद
टिकट जारी कर दी जाएगी। आप किसको टिकट चाहते हैं, एक तरह से यहाँ पर डिजिटल सर्वे मैं कर रहा हूँ, आप किसको टिकट चाहते हैं, इस तरह से किसको टिकट मिलनी चाहिए, कमेंट करें, दबा के कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, वीडियो पर कमेंट कराएं, ताकि कांग्रेस के हाईकमान की नज़र हमारी वीडियो पर भी रहे, हमारे वीडियो के आधार पर भी वो अपना कैंडिडेट चुनने में उनको मदद मिल सके। बने रहिएगा एचबीएन 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों, मैं संदीप लोकवाल, एचबीएन 24 न्यूज़, ताज़ा और तड़क बड़क खबरों के लिए सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।